गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फाइनल अकाउंट को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा है पेज 285 इलस्ट्रेशन 1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 के लिए सबके कॉपी में रूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। ऑन द फर्स्ट पेज ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द नेक्स्ट पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑन द थर्ड पेज बैलेंस शीट ऑफ भारद्वाज एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2019। फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, ताकि रिवाइज करने पे हम पोस्टिंग इजीली कर सकते हैं। एक दो मिनट में हम रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। फाइनल अकाउंट, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। इस फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट, टू नो प्रॉफिट और लॉस, एंड सेकेंड, टू शो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज टू नो प्रॉफिट और लॉस, इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए बिजनेस प्रिपेयर करता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। टू नो प्रॉफिट लॉस, तो हमें प्रॉफिट लॉस देगा कौन? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। तो दोनों अकाउंट आपको प्रॉफिट देने वाले हैं। जो अकाउंट आपको प्रॉफिट देता है, जो भी अकाउंट से आप प्रॉफिट और लॉस अगर कैलकुलेट करते हो, तो उसका नेचर होता है नॉमिनल। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, पी एंड एल के भी डेबिट में एक्सपेंसेस ही लिखे जाएंगे, क्योंकि रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इनकम्स लिखे जाएंगे, एंड पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट में भी इनकम्स ही लिखे जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स। इन शॉर्ट, ट्रेडिंग पी एंड एल में हमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर टू नो प्रॉफिट और लॉस। मेरे पास 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, दैट इज बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस एंड बिजनेस के सारे इनकम्स। कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर टू नो प्रॉफिट और लॉस और टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारे नॉमिनल अकाउंट्स को हम कहां लेकर के आएंगे? ट्रेडिंग में टू पी एंड एल। कुछ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में ट्रांसफर होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस पी एंड एल में ट्रांसफर होते हैं, कुछ इनकम्स ट्रेडिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ इनकम्स पी एंड एल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का हिसाब लग गया। फिर बचे कौन से? पर्सनल, रियल अकाउंट। पर्सनल रियल में ट्रेडिंग पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं कर सकती। पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो पर्सनल रियल अकाउंट्स के लिए बनती है बैलेंस शीट, ऑल नॉमिनल अकाउंट्स के लिए बनते हैं ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ये क्लियर है सबको ना? आपको क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है ट्रायल बैलेंस। बिजनेस पे लेजर बुक बनाता है, लेजर बुक बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस बिजनेस बनाता है फाइनल अकाउंट। तो आपका बेस रहेगा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और इस ट्रायल बैलेंस के नीचे, इस ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। दोनों को, यानी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट की एंट्रीज, हमें फाइनल अकाउंट में पोस्ट करते जाना है। बट इसके लिए मैंने कहा था, जितनी भी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इस डेबिट क्रेडिट बैलेंस को मुझे ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट के 3 में से कहीं ना कहीं एक ही जगह पोस्ट करना है। मैंने ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को मुझे सिंगल इफेक्ट देना है, एज इट इज रिकॉर्डेड एंट्रीज। ये रिकॉर्डेड क्यों है? वो क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में कहां से आया होगा? लेजर से आया होगा। लेजर में कहां से आया होगा? जर्नल से आया होगा। तो ये सारी एंट्रीज हर बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, इसलिए फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय इनका दिया जाता है सिंगल इफेक्ट। बट एडजस्टमेंट्स में
को ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है। वो ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है? क्योंकि वो लेजर में नहीं होगा। वो लेजर में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जर्नल में नहीं होगा। यानी आपने कुछ एंट्रीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मुझे वो एंट्रीज को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब हम कोई एंट्री फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो इसके मुझे डबल इफेक्ट्स लेने पड़ते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। इसीलिए एडजस्टमेंट्स को आपको हमेशा दो बार पोस्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी तक क्या कहा? ट्रायल बैलेंस एंट्रीज सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट एंट्रीज डबल इफेक्ट। क्या कहा मैंने? सबको बोलना है ट्रायल बैलेंस एंट्रीज सिंगल इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज डबल इफेक्ट। ये क्लियर है सबको? अब कौन सी एंट्री ट्रेडिंग में, कौन सी एंट्री पीएनएल में, कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में, जिसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करने के लिए दिया था, वो चार्ट मैंने वापस बोर्ड पे लिखा है। आपको हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, बट ये चार्ट दिमाग में होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस, सबसे पहले हम डेबिट बैलेंसेस पोस्ट करने वाले हैं। जितनी भी डेबिट में एंट्रीज दी हुई है, देख लो रॉयल्टीज, ड्रॉइंग्स, वेजेस, परचेस, जितनी भी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दी है, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस ही है। बट एक्सपेंस होते हैं है तीन टाइप के, बट हमने देखे हैं दो टाइप के। कौन से रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। सबको मन में सोचना है व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस हम किसको कहते हैं? जो एक्सपेंस का नेचर रिकरिंग होता है, जो खर्चे आपको बार बार करने पड़ते हैं, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ पे करना है, आपको मोबाइल बिल हर मंथ पे करना है, आपको इंटरनेट का बिल हर मंथ पे करना है, दैट मीन्स इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। बट ऐसे भी कुछ एक्सपेंस होते हैं जो आप एक ही बार खर्चा करते हो, बट इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है। आपका मोबाइल खर्चा किया ना, पेमेंट किया, दैट मींस इट इज योर एक्सपेंस। बट ये एक्सपेंस को हम क्लासिफाई करते हैं अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि एक बार आपने इसको एक्सपेंस किया, बट इसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट खर्चा करने के बाद जिसका होता है, दैट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है असेट, क्योंकि मोबाइल जो आपने आज खरीदा है उसको आप, उसके ऊपर आपका अधिकार है, जिसके ऊपर आपका अधिकार वो आपकी असेट होती है। और ये मोबाइल बिल अगर मैं फ्यूचर में बेचती हूँ तो अमाउंट इज रिसीवेबल, तो एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। देन तो डेबिट बैलेंस एक्सपेंस रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। अगर जिसका नेचर रिकरिंग होता है, वो रिकरिंग एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करने पड़ते हैं फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट लॉस। अब एक्सपेंसेस में से कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग में डालना है, कुछ एक्सपेंस पीएनएल में डालना है। कौन से ट्रेडिंग, कौन से पीएनएल, उसमें भी रूल होता है। ट्रेडिंग बेसिकली बनता है गुड्स से रिलेटेड। जितने भी गुड्स के ऊपर के खर्चे होते हैं, वो एक्सपेंसेस आपको ट्रेडिंग में पोस्ट करने पड़ते हैं। गुड्स से रिलेटेड यानी परचेस से रिलेटेड, या मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड, गुड्स को मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में करते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स बनाने के लिए या गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने पड़ते हैं। हम बताएंगे कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे किया, क्यों पे किया, गुड्स के है कि नॉन गुड्स के ऊपर है, वो हम सब ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करते समय में एक्सप्लेन कर दिए। देन अदर देन गुड्स जो भी एक्सपेंस होते हैं, उस एक्सपेंस को कैटेगराइज किया गया ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। गुड्स सेल करते समय के एक्सपेंस, परचेस करते समय के ट्रेडिंग में, सेल करते समय के एक्सपेंसेस पीएनएल में, फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग में, ऑफिस से रिलेटेड पीएनएल में। मैंने जो कहा अभी दो मिनट में सबको बोलना है, गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, सेलिंग एक्सपेंसेस गुड सेल करते समय के एक्सपेंसेस पीएनएल में, परचेस एक्सपेंस ट्रेडिंग में, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल, फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग में, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल में। बोलना है सबको, परचेस एक्सपेंस यस ट्रेडिंग में, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल में, फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग में एंड ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल में। ये एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर दिया। अब वैसे ही होते हैं इनकम
कैपिटल जिसका नेचर वन टाइम है, ओनर जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को पैसा मिला, इनकम हुआ, बट मिला हुआ इनकम ये वन टाइम इनकम होता है, कैपिटल इनकम होता है, इसलिए वो लिखा जाता है लायबिलिटी, जो पैसा हमें मिलता है। बट वो मिला हुआ पैसा अगर आपको वापस भी करना है फ्यूचर में तो आपकी लायबिलिटी। मिला हुआ पैसा, ध्यान सबका चाहिए, मिला हुआ अमाउंट मुझे किसी को वापस करना नहीं है तो वो मेरा इनकम, मिला हुआ पैसा मुझे वापस करना है तो वो मेरी लायबिलिटी। एक बार वापस, कॉलेज जो मुझे सैलरी देता है क्या मुझे वापस करनी है क्या सैलरी कॉलेज? नहीं, वो मेरा इनकम क्योंकि मुझे उसको वापस नहीं करना है। बट मैंने अगर लोन लिया, लिया हुआ लोन मुझे वापस भी करना पड़ता है, दैट मीन्स इट इज योर लायबिलिटी। पैसा मिला यानी इनकम, बट दो प्रकार के इनकम, मिला हुआ इनकम वापस नहीं करना है तो इनकम, मिला हुआ इनकम वापस करना है तो लायबिलिटी। ठीक, तो किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, कौन सा वापस करना है कौन सा नहीं करना है, ये हम देखेंगे। अब इनकम है तो वो ट्रेडिंग नहीं तो पी एंड एल में पोस्ट किया जाएगा, इनकम है तो क्रेडिट में। अब ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही इनकम जाता है, वो है सेल्स। अदर देन सेल्स जितना भी इनकम होता है, जैसे बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है मुझे वापस नहीं करना, दैट मींस इट इज अवर इनकम। अदर देन सेल्स जो इनकम रहेंगे वो आपको पोस्ट करने हैं पी एंड एल में, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, यस, ये सारे डिविडेंड रिसीव, ये सारे इनकम्स अदर देन सेल्स होने के कारण कहां पोस्ट किए जाएंगे? पी एंड एल में। ये चार दो मिनट में दिमाग में फिट करो, फिर हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग डेबिट, ट्रायल बैलेंस डेबिट, फटाफट मन में बोलना है, ट्रायल बैलेंस डेबिट, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस, वन टाइम एक्सपेंस। All one-time expenses are our asset. Revenue expenses transfer किए जाएंगे trading P&L. Trading में जाएंगे goods that is purchase और factory से related, P&L में जाएंगे selling expense and office expense. कैसे classify करना ये मेरा responsibility. ठीक, income, trial balance credit represent income, but income are of two types, revenue as well as कैपिटल। रेवेन्यू जिसका नेचर रिकरिंग, बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ बार बार बेचनी पड़ेगी ना, दैट मींस सेल्स इज योर रेवेन्यू इनकम, और ये ही इनकम ऐसा है जो ट्रेडिंग में दिखता है। अदर देन सेल्स जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स है, इंटरेस्ट बैंक आपको हर मंथ देती है आपके डिपॉजिट पे, तो मिला हुआ इंटरेस्ट मेरे लिए रहेगा अदर देन सेल्स, इसीलिए वो पी एंड एल में। ठीक, मिला हुआ पैसा अगर फ्यूचर में आपको वापस करना है, दैट मींस इट इज योर वन टाइम इनकम, दैट मींस इट इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अमाउंट पेएबल्स। ठीक, अब हम एडजस्टमेंट फिलहाल अभी थोड़ी देर के हम पोस्ट नहीं करते, देखते भी नहीं, हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग सबको आना चाहिए, कभी भी पूछो क्रेडिटर्स का पोस्ट करना तो आना चाहिए, इतना प्रैक्टिस हमें फाइनल अकाउंट का करना है। ठीक, देखते हैं, पहले हम पोस्ट करेंगे डेबिट बैलेंसेस, ध्यान सबका। डेबिट बैलेंस जब मैं पोस्ट करती हूँ तो मेरे सामने ये डेबिट बैलेंस का चार्ट सामने आते हैं, मेरे दिमाग में डेबिट बैलेंस का चार्ट होना चाहिए। डेबिट बैलेंस में सोचती हूँ एक्सपेंस है, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू रहा तो मुझे ट्रेडिंग पी एंड एल में पोस्ट करना है, कैपिटल रहा तो मुझे असेट में पोस्ट करना है। कैसे कैटेगरी करेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे मेरे सामने? अब पहला दिया है रॉयल्टीज। क्या होता है रॉयल्टीज? रॉयल्टी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, लिख लो, रॉयल्टी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। अब क्या रॉयल्टी, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है? ये एक्सपेंस यूजर ओनर को पे करता है। ठीक, यानी कैसा? सपोज लैंड है, ये लैंड में के नीचे कोल है, कोल, ठीक है, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोल लगता है। हमारे बिजनेस को ये लैंड के नीचे का जो कोल है वो प्रोडक्शन के लिए चाहिए,
के साथ हमारे बिजनेस का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। हम वो ओनर को क्या कहेंगे, आपकी लैंड के नीचे जो कोल है ना वो हमको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वो हम कोल को हम निकालेंगे और इसके अगेंस्ट हम आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेंगे एवरी ईयर। तो ये बिजनेस और ओनर के साथ एग्रीमेंट हुआ, ओनर ने कहा ठीक है आपको कोल चाहिए आप लेके जा सकते हो, बट क्या ओनर वो फ्री में देगा क्या? नहीं, वो चार्जेस लगाएगा। जो हम इसके अगेंस्ट चार्जेस पे करते हैं इस चार्जेस को कहा जाता है रॉयल्टी। कोई भी चीज अगर हम किसी का यूज करते हैं और इसके अगेंस्ट मैं उसको अगर पे करती हूं तो उसे कहा जाता है रॉयल्टी। कोई भी जैसे ये ओनर का कॉल में यूज कर रही हूं ना, उसकी प्रॉपर्टी है ना वो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जो मैं पेमेंट करती हूँ उस पेमेंट को कहा जाता है रॉयल्टी। किसी ओनर के प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करती हूँ इसके अगेंस्ट जो पेमेंट किया जाता है दैट इज रॉयल्टी। अब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ये कॉल का जितना भी आप टर्म्स निकालोगे, जितने भी जैसे 10 टर्म्स मैंने कॉल इस ओनर से लिया तो इस 10 टर्म्स में मुझे कुछ ना कुछ 3 रुपीज पर टर्म, 4 रुपीज पर टर्म कुछ ना कुछ अमाउंट पीरियोडिकली वो ओनर को देना पड़ेगा पर टर्म के हिसाब से। तो उस पेमेंट को पीरियोडिकल पेमेंट जब मैं देती हूँ अगेंस्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ समवन्स उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। ठीक, अब ये रॉयल्टी का पेमेंट किसने किया? बिजनेस ने किया ना, हमारे बिजनेस ने किया, तो बिजनेस ने पे किया दैट मींस बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। फिर मैं सोचती हूँ क्या ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बिजनेस को कोल तो बार बार लगने वाला चीज है ना, उसको प्रोड्यूस करना है, अगर कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उसको कोल लगना ही है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस होने के कारण मुझे इसको या तो ट्रेडिंग में तो पीएनएल में पोस्ट करना पड़ेगा, बट रॉयल्टीज अगर मैं प्रोडक्शन के लिए पे करती हूँ तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और रॉयल्टीज अगर सेल करते समय पे किया तो वो पीएनएल में जाएगा क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंस बन जाएगा। सिर्फ रॉयल्टीज दिया है, अब मुझे नहीं मालूम ये प्रोडक्शन पे पे किया यानी परचेस करते समय पे किया या सेल करते समय पे किया, मुझे कुछ भी दिया हुआ नहीं। तो ऐसे समय एक स्टैंडर्ड असम्पशन लिया जाता है, स्टैंडर्ड यानी सबका आंसर सेम होना चाहिए। मैं कुछ अज्यूम कर रही हूँ आप कुछ अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता अकाउंटिंग में। एक स्टैंडर्ड असम्पशन दिया गया है, इफ नथिंग इज मेंशन फॉर रॉयल्टी whether it is paid on purchase or paid on sales, कुछ भी mention नहीं है, तो it is always assumed that royalties that is charges paid on purchases. Purchases पे pay किया और purchase से related expenses हम कहाँ post करेंगे? Trading account में, और इसीलिए royalties को लिखा जाएगा trading account में। but कैसे लिखना? ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट 3 लाइंस आप हमेशा छोड़ दो ना, फिर लिखना रॉयल्टीज। क्यों? एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मैं बताऊंगी कैसे लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हमेशा फर्स्ट 2 लाइंस किसी और चीज के लिए होती है, फर्स्ट 3 लाइंस तो वो फर्स्ट 3 लाइंस पे वही आना चाहिए, उसके बाद आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो रॉयल्टीज 4th लाइन पे लिखना है, रॉयल्टीज 4000 लिख दिया। रॉयल्टीज यानी एक्स डेबिट में दिया है वो एक्सपेंस है। अब मैं सोचूंगी कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस है कि कैपिटल एक्सपेंसेस है। रॉयल्टीज जैसे मैंने कहा कि किसी और की प्रॉपर्टी को जब मैं यूज करती हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना पड़ता है, तो वो पेमेंट मुझे हर वक्त पे करना पड़ता है, इसलिए वो मेरे लिए होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। वो रेवेन्यू एक्सपेंस होने के कारण फिर मुझे सोचना है कि ये मैं कहाँ पोस्ट करूँ ट्रेडिंग की पीएनएल। फिर मुझे क्या सोचना है ट्रेडिंग में है, तो मुझे सोचना है कि वो परचेस के वक्त पे किया या सेल्स के वक्त पे किया। तो कुछ भी मेंशन नहीं है जब रॉयल्टीज के लिए, तब हमने स्टैंडर्ड अजम्पशन लिया कि ये कब पे किया परचेस करते समय, और इसीलिए हमने उसको ट्रेडिंग में पोस्ट किया। ठीक, इसको एक मार्क यहाँ लगा दो, ये नया टर्म है, इसको हर क्वेश्चन में ही आने वाला है, हम धीरे धीरे इसको और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स।
ध्यान सबका, किसी ने मुझे इसके बारे में डाउट पूछा था, एक बार वापस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है ड्रॉइंग्स का? ओनर जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। ओनर जब बिजनेस में से मनी विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। दैट मीन्स कैपिटल रहो, ड्रॉइंग्स रहो, ये ओनर का ही अकाउंट है। ठीक, तो इसको हम थोड़ी देर के बाद पोस्ट करते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। वेजेस, अब वेजेस दैट मीन्स पेमेंट गिवन टू वर्कर्स, डेबिट में दिया है यानी ये एक्सपेंस है। फिर मैं सोचूं कि ये एक्सपेंस किस टाइप का रहेगा, रेवेन्यू की कैपिटल। वर्कर को पेमेंट हमें एक मंथ देके नहीं होगा, हर मंथ देना है, हर ईयर देना है, एवरी ईयर देते जाना है, यानी इसका नेचर बन गया रेवेन्यू, यानी वो रेवेन्यू है। अब मैं सोचूंगी रेवेन्यू है तो इसे मुझे ट्रेडिंग नहीं तो पीएनएल में ही पोस्ट करना है। फिर मैं सोचती हूँ ट्रेडिंग में पोस्ट करूं कि पीएनएल में पोस्ट करूं, तो वेजेस है और वेजेस दिए जाते हैं वर्कर्स को, ये अजम्पशन होता है वर्कर्स को, और वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, एंड ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसे मैं कहां पोस्ट करूं, ट्रेडिंग अकाउंट में। किस साइड पोस्ट करूं, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। तो लिखते हैं वेजेस 6000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वेजेस 6000। धीरे धीरे चलना है आपको। हाँ, आगे परचेसेस आ गया डेबिट बैलेंस, डेबिट का चार्ज। सोचेंगे क्या, रेवेन्यू की कैपिटल, हम बिजनेस कर रहे थे, हमको गुड्स बार बार खरीदनी पड़ेगी। परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यानी किसका अकाउंट होता है, गुड्स का। अब गुड्स से रिलेटेड मुझे कहां पोस्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रेवेन्यू एक्सपेंस होने के कारण परचेसेस हम कहां पोस्ट करेंगे, ट्रेडिंग में। बट ट्रेडिंग में परचेसेस हमेशा आने चाहिए सेकेंड लाइन में, परचेसेस। परचेसेस को हम अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, उसको मैं पहले इनर कॉलम में, जहां परचेसेस लिखा है उसके नीचे ही मैं अमाउंट लिखूंगी। इसको कुछ तो भी एडजस्ट करके बाहर भेजना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़े, क्या है कुछ तो भी देखेंगे। नेक्स्ट इज कैश। अब हमारे पॉकेट में जो कैश है, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक वो एक्सपेंस इनकम हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। मेरे पॉकेट में कैश है, मेरे पर्स में कैश है, इसके ऊपर अधिकार किसका है, मेरा ही है। और जिसके ऊपर मेरा अधिकार होता है वो मेरे लिए होती है यस असेट, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो वो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है जिसके ऊपर हमारा अधिकार होता है, डेट मीन्स इट इज अवर असेट। और कैश इन हैंड, जैसे बिजनेस के कैश बॉक्स में जो कैश पड़ी है वो बिजनेस की है, उसके ऊपर अधिकार बिजनेस का है, इसलिए वो बिजनेस की क्या बन गई, असेट बन गई, डेबिट बैलेंस है। और ये असेट होने के कारण हम उसको असेट में लिखेंगे, कैश बैलेंस शीट में। डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी एंड असेट। डन। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, बाद में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक, सिर्फ बैंक, यानी क्या, बैंक बैलेंस। बैंक में अकाउंट में जो आपका पैसा है, बैंक में जो अकाउंट होगा उसमें आपके ही पैसा होगा, तो उसके ऊपर अधिकार किसका है, बैंक का कि हमारा, हमारा। और जिसके ऊपर हमारा अधिकार वो हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है। तो लिखते हैं बैंक ऑन दी असेट साइड। देखो डेबिट बैलेंस है तो मुझे एक्सपेंस नहीं, तो असेट ऐसे ही सोचना है। एंड बैंक यानी बैंक के ऊपर अधिकार नहीं, बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसमें जो पैसा है इसमें हमारा अधिकार है, इसीलिए बैंक हम लिखेंगे ऑन दी असेट साइड 40,000। देन इंश्योरेंस आगे लिखो उसके, इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम यानी जो हम इंश्योरेंस कंपनी को हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एवरी ईयर पे करते हैं। व्हीकल हमने परचेस की तो हम इंश्योर्ड करते हैं,
तो जो हम इंश्योर करते हैं इसके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस कंपनी को एवरी ईयर एक पार्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो हम एवरी ईयर पे कर रहे हैं ना, तो उसका नेचर क्या बन गया, देखो डेबिट बैलेंस है यानी वो एक्सपेंस है, बट ये एवरी ईयर पे करना है यानी उसका नेचर क्या बन गया, रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू होने के कारण मुझे या तो ट्रेडिंग नहीं तो पीएनएल में पोस्ट करना है। अब ऐसा नहीं दिया कि फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ऑफिस बिल्डिंग का इंश्योरेंस, तो अजम्पशन लेना है, स्टैंडर्ड अजम्पशन लेना है। सिर्फ इंश्योरेंस दिया है तो हम अज्यूम करेंगे उसको ऑफिस बिल्डिंग, दैट इज ऑफिस एक्सपेंस, और कहां पोस्ट करेंगे, पीएनएल में। और पीएनएल में पोस्ट करेंगे फर्स्ट लाइन में ऑन द डेबिट साइड एज इट इज गिवन इन डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इज 1000। देन नेक्स्ट डेबिट बैलेंस फर्नीचर, मिला सबको, फर्नीचर का बैलेंस कौन सा है, डेबिट यानी वो एक्सपेंस। अब फर्नीचर नाम का एक्सपेंस वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, क्या फर्नीचर मैं आज भी खरीदूंगी, कल भी खरीदूंगी, परसों भी खरीदूंगी, हर मंथ परचेस करूंगी, ऐसा होगा क्या, नहीं। कॉलेज ने जो ये डेस्क बेंचेस परचेस किए हैं, एक बार परचेस किया खर्चा जरूर हुआ, बट इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस। क्यों वन टाइम एक्सपेंस, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। तो ये जो डेस्क बेंचेस है आज मैंने खरीदा, मेरे लिए खर्चा जरूर हुआ, एक्सपेंस जरूर हुआ, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, इसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, इसीलिए वो मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसीलिए वो हमारे लिए रहेगा असेट। अब आपके घर में जो फर्नीचर है उसके ऊपर अधिकार किसका, आपका ही है ना, दैट मींस इट इज योर एसेट। टीवी जो है वो आपका है ना, यानी वो आपकी एसेट। रेफ्रिजरेटर आपका अधिकार, असेट, ठीक। तो दैट इज अ वन टाइम एक्सपेंस। अब चीजें हमने जो खरीदी है वो हम बार बार नहीं खरीदते, उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलता है, इसीलिए वो बनती है हमारी असेट, और इसीलिए फर्नीचर को हम पोस्ट करेंगे ऑन द असेट साइड 34000। लिख दिया डेबिट की एंट्री, देखो ट्रेडिंग डेबिट, पीएनएल डेबिट, नहीं तो असेट में ही जा रही है ना, सोचते हुए हमको पोस्ट करते जाना है। देन बिल्डिंग, मैं मुझे नहीं मालूम, पहले आप डिसीजन लेंगे, बिल्डिंग कॉलेज ने ये जो बिल्डिंग बनी, एक्सपेंस जरूर हुआ, डेबिट बैलेंस है यानी वो एक्सपेंस जरूर है, फिर उसका नेचर ढूंढो, सोचो क्या नेचर होगा, रेवेन्यू कैपिटल, बांधने के बाद खर्चा जरूर हुआ, बट इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, क्योंकि एक बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद इसका बेनिफिट आपको एक साल से बहुत ज्यादा साल मिलने वाला है, 10 years 20 years, तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है, दैट मीन्स इट इज अ वन टाइम एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, इसलिए वो हमारी क्या है, असेट है, इसीलिए असेट में शो किया जाएगा बिल्डिंग 1,20,000। लिख लिया, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, मैंने डेटर्स का मीनिंग लिख के दिया है। सबसे पहले देखो बैलेंस क्या है, डेबिट, डेबिट बैलेंस है, सोचो या तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, मैं डायरेक्ट ऐसा बोलती हूँ, या तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, नहीं तो वो आपके लिए असेट है। बट डेटर्स पर्सन है ना, कस्टमर्स, डेटर्स यानी कौन, कस्टमर, वो लोग जिनको आपने गुड्स क्रेडिट पे भेजी है, वो लोग, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल अकाउंट है, वो एक्सपेंस तो हो नहीं सकता, मैं कोई एक्सपेंस अकाउंट तो हूं नहीं, मैं पर्सनल अकाउंट हूं, वैसे डेटर्स ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। फिर वो डेटर्स क्यों दिए है, क्योंकि आपने इनको गुड्स क्रेडिट पे बेची है, क्रेडिट पे बेची है, यानी आज आपने पैसा नहीं दिया बट आपको उनसे पैसा लेना पड़ेगा, दैट मीन्स डेटर्स फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, आपको इनसे पैसा लेना है, आपने लिख के रखा है। ऐसे टोटल डेटर्स आपके कितने हैं, 1,00,000 के अभी तक, अब ये 1,00,000 में एक ही डेटर होगा, ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे डेटर्स होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, किसी से 5,000 होगा, किसी से 20,000 लेना होगा, उन सबकी टोटल कितनी है, 1,00,000। अब ये सारे डेटर्स से मुझे अमाउंट इज रिसीवेबल, डेटर्स मीन्स The person from whom money is receivable and anything receivable.
Receivable is our asset. Assets means receivables and liabilities means payable. वो personal account है तो वो trading P&L में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि trading P&L में जाते हैं all nominal accounts. And all personal and real accounts are posted in balance sheet. Debit balance है, that means it is receivable and anything receivable is our asset. इसीलिए asset में लिखेंगे सभी sundry debtors 1 lakh. Sundry debtors 1 lakh. Done. आगे बढ़ते हैं. Next is bad debts. मैंने मीनिंग शायद जर्मन के समय लिख के दिया है. Bad debts means irrecoverable amount from customers. देखो मैंने क्या कहा. Bad debts means irrecoverable amount from customers. जो कस्टमर ने आपको पैसा नहीं दिया, जो आपके पैसे डूब चुके हैं, वो अकाउंट कहते हैं बैड डेट्स. मेरा पैसा डूब गया, मेरे लिए लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, और वो लॉस होने के कारण, वो एक्सपेंस होने के कारण मुझे ट्रेडिंग नहीं तो पीएनएल में ही पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस अकाउंट है. अब ये लॉस कब होगा? जब मैं गुड स्टेटस को बेचूंगी, उसके बाद वो मुझे पैसे नहीं देने वाले. तो बैड डेट्स इज अवर सेविंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस होने के कारण हम उसे कहां पोस्ट करेंगे? पीएनएल में, पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि डेबिट बैलेंस है. टू बैड डेट्स. बैड डेट्स मींस इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर ने आपके पैसे डुबा दिए, यानी मेरे लिए हुआ लॉस, मेरे लिए हुआ एक्सपेंस. वो एक्सपेंस है तो मुझे ट्रेडिंग में तो पीएनएल में ही पोस्ट करना पड़ेगा. अब ट्रेडिंग में लिखो कि पीएनएल में लिखो. बैड डेट्स कब होंगे? जब हम गुड्स कस्टमर्स को बेचेंगे, उसके बाद. इसीलिए वो बन गया कौन सा एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंस. और सेलिंग एक्सपेंस होने के कारण हम उसे कहां पोस्ट करेंगे? पीएनएल में. ठीक, आगे बढ़ते हैं. सन्ड्री एक्सपेंसेस. व्हाट इज सन्ड्री? इट्स सन्ड्री ना, इट्स नॉट सुंदरी. सन्ड्री एक्सपेंस. सन्ड्री मींस मिसलेनियस एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे बिजनेस के. अब एक्सपेंस बोला ही है तो वो एक्सपेंस है, यानी पोस्ट करो ट्रेडिंग में तो पीएनएल. अब ऐसे कौन सा एक्सपेंस? मुझे नहीं मालूम कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, सेल्स एक्सपेंस से रिलेटेड है, मुझे नहीं मालूम. तो ऐसे समय स्टैंडर्ड अजम्पशन जाता है ऑफिस एक्सपेंस, जिसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है एक्सपेंस की, ये फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, तो इट्स ऑलवेज अज्यूम्ड दैट ऑफिस एक्सपेंस. रॉयल्टीज एक दो के लिए नहीं होता, रॉयल्टीज और एक दो है जिसके लिए हम, जैसे मैं बोलूंगी वैसे ही आपको लिखना है. ऑफिस एक्सपेंस होने के कारण हम इसे पोस्ट करेंगे पीएनएल में. सन्ड्री एक्सपेंसेस 3000. नेक्स्ट क्या लिखा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है ना, एक्सपेंस यानी पोस्ट करो ट्रेडिंग में तो पीएनएल, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट मुझे पोस्ट करना है ट्रेडिंग में तो पीएनएल. अब सोचो कि ये ट्रेडिंग में लिखूं या पीएनएल. ट्रैवलिंग थोड़ा सोचते हैं. ट्रैवलिंग हम कब करेंगे? जब गुड्स बेचने के लिए जाएंगे तब. यहाँ पे बेच रहे, कल कहीं और मुझे वर्धा में बेचनी है, मुझे अमरावती में बेचनी है, तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा. तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बेसिकली पे किया जाता है ड्यूरिंग सेल्स, इसीलिए वो सेलिंग एक्सपेंस बन गया, और इसीलिए हम उसे कहां पोस्ट करेंगे? पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000. डन. आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक. सिंपल मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज परचेसेस. मैंने ट्रायल बैलेंस के समय ही बताया था. सिंपल मीनिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज परचेसेस. परचेसेस बार बार होने वाले है, एक्सपेंस है, परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में, और ये एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में फर्स्ट लाइन पे ही आता है, क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक है. लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, इसीलिए हमने ये जगह ब्लैंक रख दी. ये पैटर्न होता है ओपनिंग स्टॉक, फिर
purchases, फिर आप कैसे ले लेंगे? ठीक, ओपनिंग स्टॉक 24,000. नाउ कैरेज आउटवर्ड मीनिंग हर एक का हमने हमारे पास लिखा हुआ है कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस परचेस के वक्त भी पे होते हैं, सेल्स के वक्त भी पे किए जा सकते हैं. अगर मैं गुड्स मार्केट से मेरे बिजनेस में लेके आ रही हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट लगेगा, या बिजनेस से मार्केट में बेचने के लिए जाती हूँ तो ट्रांसपोर्ट लगेगा. तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मीन्स कैरेज. अब आगे क्या लिखा है आउटवर्ड. आउटवर्ड का मीनिंग होता है कि दिस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ड्यूरिंग गुड्स सोल्ड. जब गुड्स आप बेचने जा रहे हो तब पे किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मीन्स कैरेज आउटवर्ड. बेचने के लिए जब जा रहे हो दैट मीन्स ये बन गया कौन सा सेलिंग एक्सपेंस, और इसीलिए इसे हम पोस्ट करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट में. इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. अगर मैं बिजनेस करती हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बार बार होने वाला है, यानी इसका नेचर क्या है रेवेन्यू. वो रेवेन्यू है तो मुझे सोचना है ट्रेडिंग नहीं तो पीएनएल. पर वो क्या कहता है कैरेज आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कब पे किया आउटवर्ड. आउटवर्ड यानी पेड ड्यूरिंग सेल्स. गुड्स सेल करते समय पे किया डेट मीन्स ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस, और इसीलिए हम इसे कहां पोस्ट करेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज आउटवर्ड. अमाउंट इज 1600. देन रेंट. रेंट यानी जो हम प्रॉपर्टी के लिए पे करते हैं, बराबर. और रेंट रेंट नाम का एक्सपेंस डेबिट में है ना, वो बन गया एक्सपेंस. अब सोचो उसका नेचर रेवेन्यू की कैपिटल. अगर मैं रेंट पे रहती हूँ तो मुझे हर मंथ रेंट पे करना है, दैट मीन्स ये इसका नेचर क्या हो गया रेवेन्यू. आ जाओ रेवेन्यू पे. अब रेवेन्यू है तो मुझे इसे कहां का पोस्ट करना है ट्रेडिंग में तो पीएनएल. अब कहां पोस्ट करूं, फैक्ट्री ऑफिस कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक स्टैंडर्ड अजम्पशन. जो फैक्ट्री है ऑफिस हमको नहीं मालूम तो ऐसे समय हम अज्यूम करेंगे कि ये रेंट पे हुआ है ऑफिस से रिलेटेड, हम इसे अज्यूम करेंगे. और वो ऑफिस एक्सपेंस होने के कारण कहां पोस्ट किया जाएगा पीएनएल में. लिखते हैं टू रेंट. अमाउंट इज 1000. नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड. अगेन कैरेज आया. कैरेज यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिजनेस को बार बार करने पड़ते हैं, इसीलिए उसका नेचर हो गया रेवेन्यू. सोचती हूँ रेवेन्यू है तो ट्रेडिंग की पी एंडल. और ये कैरेज कब पे किया, गुड्स खरीदते समय बेचते समय. आगे लिखा है इनवर्ड. इनवर्ड मीन्स यानी जब गुड्स खरीद के मैं मेरे बिजनेस में ला रही थी तब पे किया हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. दैट मीन्स दिस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड ड्यूरिंग गुड्स परचेज. और परचेज से रिलेटेड होने के कारण हम इसे कहां पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में. इस साइड डेबिट साइड, क्योंकि इसका बैलेंस भी डेबिट ही है. कैरेज इनवर्ड लिखते हैं 400. डेबिट बैलेंस की लास्ट एंट्री. हमने दो एंट्रीज नहीं की है मुझे मालूम है, हम लास्ट में करने वाले. सैलरीज एम्प्लॉई जैसे मैं सैलरी बिजनेस कॉलेज मुझे एक ही मंथ देगा, ये लो सैलरी और उम्र भर काम करो. ऐसा होगा क्या? नहीं. सैलरी बिजनेस को एम्प्लॉईज को एवरी मंथ एवरी ईयर देना है, तो इसका नेचर कौन सा बन गया रेवेन्यू. फिर सोचते हैं क्रेडिट की पी एंडल. क्या ये फैक्ट्री का है या ऑफिस का है, कुछ भी मेंशन नहीं है. स्टैंडर्ड अजम्पशन सैलरीज एम्प्लॉईज और एम्प्लॉईज हम मानते हैं ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और इसीलिए सैलरीज को पोस्ट किया जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरीज. अगर मैं डेबिट बैलेंसेस का पोस्टिंग देखती हूँ मेरे आंसर में तो मैंने डेबिट की एंट्रीज पोस्ट की है ट्रेडिंग डेबिट, और
पी एंड एल डेबिट और असेट। डेबिट की एंट्री ट्रेडिंग पी एंड एल के डेबिट में या असेट में, जिसका नेचर रेवेन्यू वो ट्रेडिंग पी एंड एल, जिसका नेचर वन टाइम वो असेट। रेवेन्यू जो हो बट जिसका रिलेट होगा गुड्स परचेस फैक्ट्री ट्रेडिंग, अदर देन गुड्स एंड अदर देन फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस हमने पोस्ट किए पी एंड एल में, हमने एजम्पशन कुछ ना कुछ लिया है। कैसे लिया ये हर क्वेश्चन में अभी आगे बढ़ते जाना है, तो धीरे धीरे आप उसको यूज टू हो जाओगे। ठीक, अब डेबिट बैलेंसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट में जितनी भी एंट्रीज है ट्रायल बैलेंस में ना, यानी सिंगल इफेक्ट है। ठीक, देखते हैं क्रेडिट बैलेंस की फर्स्ट एंट्री, सभी पढ़ेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैंने इसका मीनिंग लिख के दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मीन्स सप्लायर्स, जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किए। सप्लायर वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो पर्सन है यानी वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट मुझे ट्रेडिंग पी एंड एल में पोस्ट करना नहीं है। ट्रेडिंग पी एंड एल में हम पोस्ट करते हैं ओनली नॉमिनल अकाउंट्स। वो पर्सनल अकाउंट होने के कारण चला कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। अब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को मुझे क्रेडिट बैलेंस का चार्ट सामने चाहिए, मुझे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, पी एंड एल के क्रेडिट में या लायबिलिटी में पोस्ट करना है। अब मैं सोचती हूँ ये नॉमिनल तो नहीं है, ये ट्रेडिंग पी एंड एल मेरे सामने से ऑप्शन हट गया, यानी ये मैं कहाँ पोस्ट करूंगी, लायबिलिटी में। वो लायबिलिटी में क्यों जाएगा, क्रेडिटर्स मीन्स जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया, उधार दिया, दिया हुआ उधार आपको वापस भी करना पड़ेगा। That means amount is payable to creditors, no? तो creditors को मुझे amount payable है, and anything payable is our liability. तो liability में लिखेंगे सभी creditors, sundry creditors, sundry means miscellaneous, but liability में लिखते समय 3-4 lines हमेशा blank रखने की आदत डालो। क्यों, हम थोड़े देर के बाद देखेंगे। sundry creditors 56,000। ठीक, क्रेडिट स्टार्ट हुआ, क्रेडिट जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, पी एंड एल क्रेडिट या लायबिलिटी, जिसमें से मैंने एक एंट्री कंप्लीट कर दी। आगे सेल्स, अब सेल्स क्रेडिट में दिया यानी इनकम, बट इनकम दो प्रकार के, या तो उसका नेचर रेवेन्यू है, नहीं तो उसका नेचर वन टाइम है। गुड्स जो हम सेल करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, एक ही बार गुड्स सेल करेंगे कि बार बार, बार बार, यानी सेल्स आपका बार बार होने वाला है, उसका नेचर हो गया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू होने के कारण मैं इसे या तो ट्रेडिंग में नहीं तो पी एंड एल में ही पोस्ट कर सकती हूँ। अब कहाँ पोस्ट करूं, तो सेल्स नाम का एक ही इनकम ऐसा है जो ट्रेडिंग में दिखता है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है सेल्स, बट इनर कॉलम में 81 ऐसा क्यों किया मैंने, मैंने आउटर कॉलम में अमाउंट, मैंने अमाउंट कॉलम में नहीं लिखी, मैंने इनर कॉलम में लिखी। हमने गुड्स टोटल बेचे थे 81,000 के, बट उसमें से कुछ गुड्स मेरे वापस भी आई थी। जो सेल की हुई गुड्स अगर वापस आती है तो मैं इसे कहती हूँ सेल्स रिटर्न। देखो उसका बैलेंस डेबिट में दिया है, वापस आए ना, यानी सेल का अपोजिट हुआ इसलिए वो डेबिट बैलेंस में दिया है। कितने है सेल्स रिटर्न, 5,000। 81,000 की गुड्स मैंने बेची, उसमें से 5,000 की गुड्स वापस आई, मेरे सेल्स बढ़े कि मेरे सेल्स कम हुए, सेल्स रिटर्न के कारण हमारे सेल्स कम हुए, तो सेल्स रिटर्न किया जाता है सेल्स में से माइनस। देखो डेबिट में जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न, वो माइनस किया जाएगा 81,000 में से 5,000 और 76,000 को हम कहेंगे नेट सेल्स, एक्चुअल सेल्स। गुड्स बेची 81, बट वापस आई ना, तो एक्चुअल सेल्स कितने हुए 76,000। ठीक, अब देखो नेक्स्ट परचेस रिटर्न, जितनी गुड्स हमने परचेस की थी ड्यूरिंग द ईयर उसमें से कुछ गुड्स हमने वापस भी की, तो इसको मुझे परचेस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने परचेसेस लिखे हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, टोटल हमने 71,000 की गुड्स परचेस की थी, उसमें से रिटर्न कितनी की 3,000, तो मेरे परचेसेस रिटर्न के कारण कम हुए, तो परचेस रिटर्न परचेस में से किया जाएगा माइनस लेस रिटर्न्स 3,000।
यानी 68,000 हमारे रहेंगे नेट परचेसेस। हमेशा परचेस को रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में लिखा जाता है, सेल्स को रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम में लिखा जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में एक्सप्लेन किया। ठीक, आगे कैपिटल। अब आ जाओ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर से जो हमें पैसा मिलता है, बिजनेस को जो पैसा मिलता है, दैट इज कैपिटल। ओनर से पैसा मिला, पर मिला हुआ पैसा बिजनेस को वापस भी करना पड़ता है। कब? जब बिजनेस बंद होगा। यानी ये अमाउंट जो ओनर देता है, ये ओनर को हम वापस भी करने वाले हैं। That means ये amount is payable to owner and anything payable is our liability. Capital है ना, वो owner का account है, यानी वो बन गया personal account। वो personal account होने के कारण वो trading P&L में post किया नहीं जा सकता, क्योंकि trading P&L में हम post करते हैं सिर्फ nominal accounts। हाँ, ये personal account होने के कारण मुझे इसको कहाँ post करना पड़ेगा? All personal and real accounts are posted in balance sheet, but personal account है तो करना क्या है? Liability है कि asset है? उसको amount payable है कि उससे amount receivable है? तो capital means amount payable to owner at the winding up of the business। ये capital का पैसा मुझे payable है, इसीलिए liability में हमेशा इसको first line में ही लिखा जाएगा, but inner column में बहुत सारी एंट्रीज इससे रिलेटेड रहती है, उनको एडजस्ट करके आउटर कॉलम में लिखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज बिल्स पेबल। बिल के आगे क्या लिखा है? पढ़ो सभी, सब पढ़ते नहीं। बिल के आगे क्या लिखा है? पेबल। क्या लिखा है? पेबल। क्या लिखा है? पेबल। एंड एनीथिंग पेबल इज अवर लायबिलिटी, तो इसको हम मुझे लायबिलिटी में ही लिखना है। अगर मान के चलो आपको ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा है बिल्स रिसीवेबल, क्या लिखा है? बिल्स रिसीवेबल, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट, तो वो बिल हम कहां लिखेंगे? असेट में। यहां पेबल लिखा है, तो ये पेबल होने के कारण हम कहां लिखेंगे? लायबिलिटी में। एंड लास्ट एंट्री इज बैंक ओवरड्राफ्ट। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स, बुक में भी लिख सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए जो हम लोन लेते हैं बैंक से, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी लिखा जाएगा तब तुरंत समझ में आना चाहिए कि लोन बैंक से लिया जरूर है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड 6 months, 8 months या 1 year के लिए आपने ये बैंक से लिया हुआ लोन है। अब मुझे बताओ, बैंक से लोन लिया है, क्या लिया है? पैसा लिया, कैश लिया, मिला कैश, हमें इनकम जरूर हुआ, बट लिया हुआ पैसा आपको वापस करने की भी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आपने लोन के अगेंस्ट लिया। तो ये बैंक से लिया हुआ अमाउंट मुझे पेबल भी है। कब पेबल है? जिसका टर्म होगा, जैसे 6 months, तो मुझे 6 months के बाद उसको ये अमाउंट वापस करनी है। 8 months का पीरियड है, तो 8 months के बाद ये अमाउंट मुझे वापस करनी है। तो ये अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, दैट इज ये अमाउंट ऑफ लोन, इज पेबल इन फ्यूचर, एंड एनीथिंग पेबल इज अवर लायबिलिटी। इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हम लिखेंगे लायबिलिटी में 40,000। ठीक ना, एक एंट्री हमने स्किप की है, डेबिट बैलेंस पे आ जाओ। ड्रॉइंग्स अच्छे से समझो, जिसको भी डाउट था ना। अब भी हमने देखा कैपिटल। कैपिटल है ना, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर। इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है? ड्रॉइंग्स, मनी विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर। ओनर जो घर लेकर के गया, दैट इज ड्रॉइंग्स। अब ध्यान से सुनो, ये कंसेप्ट आज ही आपको क्लियर करना है।
जितना कैपिटल हम ओनर से लेते हैं वो कैपिटल बिजनेस को वापस करना पड़ता है ओनर को, कब, जब बिजनेस बंद होगा तब। वैसे ही अगर ओनर बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो अमाउंट बिजनेस को वापस लेनी पड़ती है ओनर से इन फ्यूचर। कैपिटल का पैसा वापस करना पड़ता है तो ड्रॉइंग का पैसा वापस लेना पड़ता है। कैपिटल अमाउंट इज पेबल तो ड्रॉइंग्स अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। एग्जैक्ट अपोजिट होता है कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल एक बार वापस, कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, ड्रॉइंग्स मींस मनी विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, अपोजिट थिंग हो गए। कैपिटल अमाउंट इज पेबल टू ओनर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप and drawings amount is receivable from owner at the time of winding up. Exact opposite. मैंने क्या meaning बताया सबको समझ में आना चाहिए। Capital means money invested in the business by the owner. Drawings means money withdraw from the business by the owner. समझा? Capital का amount आपको देना पड़ता है business को। क्यों? क्योंकि ये owner का पैसा है तो owner को वापस किया जाता है कब? जब business बंद होगा। वैसे ही अगर बीच बीच में ओनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया होगा ना तो यह अमाउंट बिजनेस को वापस लेनी पड़ती है। दैट मींस ड्रॉइंग्स अमाउंट या ड्रॉइंग्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ये दोनों भी इसके अकाउंट है, ओनर के अकाउंट है। ओनर यानी दोनों का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट, ओनर का अकाउंट है। वो पर्सनल अकाउंट होने के कारण मुझे उसको बैलेंस शीट में ही पोस्ट करना पड़ेगा। बट ड्रॉइंग्स का देखो बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंसेस लिखे जाते हैं असेट में, एज ड्रॉइंग्स का अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम ओनर। तो मैंने, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, मैंने ड्रॉइंग्स कहां लिखने चाहिए? असेट सेट में। आप लिखेंगे नहीं, ड्रॉइंग्स में नहीं लिखने चाहिए, असेट में। बट ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये ओनर का ही अकाउंट है ना। तो रूल क्या कहता है अकाउंटिंग में? ओनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज एक ही जगह लिखो, ऐसे अलग अलग जगह 10-12 जगह नहीं लिखना, ऐसा रूल है। तो मुझे चाह कर भी न चाह कर भी ड्रॉइंग्स को असेट में मुझे नहीं लिखना है, मुझे ड्रॉइंग्स को वही लिखना है जहां ओनर का मेन अकाउंट, ओरिजिनल अकाउंट दैट इज कैपिटल लिखा हुआ है। मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं समझ में आता है मुझे मालूम है, बट फिर भी समझने की कोशिश करनी है। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स बोथ आर ओनर्स अकाउंट। कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड, ड्रॉइंग्स मींस मनी विथड्रॉन। जो मनी इन्वेस्ट किया है ओनर ने, वो बिजनेस को, वो अमाउंट ओनर को वापस करनी पड़ती है जब बिजनेस बंद होगा। जो विड्रॉ किया है ओनर ने, वो बिजनेस वापस लेता है। That means amount is receivable from owner, drawings यानी amount is receivable and anything receivable is our asset। कहाँ mention होना चाहिए? Asset में। But rule क्या कहता है? Owner से related entries सब एक ही जगह लिखो, यानी कहाँ? Capital के साथ। तो मुझे drawings को capital के साथ ही adjust करना है। मैं कहीं और लिख नहीं सकती क्योंकि rule ही वैसा है। Drawings है asset तो वो asset में ओनर से रिलेटेड है तो उसको मुझे कैपिटल के साथ ही कंपलसरी भी लिखना है। अब यहां अप्लाई करो मैथ्स का रूल, मैथ्स का रूल अप्लाई करना है। असेट यानी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की एंट्री को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आती हूं, राइट हैंड साइड की अमाउंट को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आती हूं, मैथ्स में रूल होता है जब मैं अपोजिट साइड में उसको लाती हूं तो साइन चेंज होती है। यस नो? यस। तो मुझे ड्रॉइंग्स है असेट बट मैं उसको जबरदस्ती से लायबिलिटी में लिखूंगी क्योंकि रूल कहता है ओनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज एक ही जगह लिखूं। तो राइट हैंड साइड की अमाउंट को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो मुझे साइन करना पड़ेगा माइनस ड्रॉइंग्स 10,000, लेस 10,000 क्यों किया? क्योंकि वो है असेट बट मुझे कंपल्सरी उसको कहां दिखाना है? लायबिलिटी में। ये लॉजिक है। पर आप ऐसा भी सोच सकते हो, उसने इन्वेस्ट कितना किया? 250, उसमें
10,000, यानी उसका कैपिटल बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ ना, तो कैपिटल में से कर दो माइनस ड्रॉइंग्स। ऐसा भी आप याद रख सकते हो, जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से अगर उसने 10,000 विड्रॉ किए तो इन्वेस्टेड अमाउंट कम हुई, तो इन्वेस्टेड अमाउंट को आपको कम कर देना है, इसलिए लेस ड्रॉइंग्स 10,000। देखो तो समझाए, कंसंट्रेट करेंगे पोस्टिंग पे। क्लोजिंग एक बार आपको बता दिया तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, कितने इफेक्ट्स देने हैं? दो, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है। क्लोजिंग स्टॉक, कुछ तो भी स्टॉक हमने कहीं तो भी लिखा है, ढूंढो कहां लिखा है स्टॉक नाम का एंट्री। यस, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। अपोजिट है ना, तो अपोजिट साइड में लिख दो। ये लॉजिक नहीं है, ये याद रखने का तरीका है। ओपनिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। मैं इसका एक्सप्लेनेशन विद लॉजिक नेक्स्ट पीरियड में देने वाली हूँ। आज आपको याद कैसे रखना है वो मैं बता रही हूँ। बट ये इसका एक ही इफेक्ट हुआ, बट ये एडजस्टमेंट में है, एंड एडजस्टमेंट की एंट्रीज को आपको दो बार, डेट मीन्स डबल इफेक्ट दिखाना ही पड़ता है, तो मुझे इसका सेकंड इफेक्ट सोचना पड़ेगा और एक जगह इसको लिखना है। कैसे लिखूंगी? व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? इट इज अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो गुड्स हमने बेची नहीं उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस साल की बची हुई गुड्स, सारी गुड्स नहीं बेची, कुछ गुड्स बच गई, तो जो गुड्स बच गई उसको हमने नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। इस साल नहीं बेची ना, नेक्स्ट ईयर अगर मैं इसको बेचती हूँ, नेक्स्ट ईयर मुझे बेचना ही पड़ेगा ना इसको, ऐसे पड़े रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर मुझे इमीडिएट इसको बेचना है। इस साल जो मैंने गुड्स नहीं बेची वो मेरे लिए कहलाया जाती है क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज अनसोल्ड गुड्स। जो गुड्स हमने इस साल नहीं बेचे वो नेक्स्ट ईयर अगर मैं बेचती हूँ तो अमाउंट इज रिसीवेबल और अमाउंट इज पेबल। क्या मुझे इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा? कि मुझे गुड्स भी देनी पड़ेगी और पैसे भी देने पड़ेंगे। गुड्स बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, दैट मीन्स अमाउंट इज रिसीवेबल एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर असेट। असेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 54,000। इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट्स दिए जाते हैं। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पूरा एकदम से नहीं समझ में आता, बट आपने एक पॉइंट मार्क किया है। मैंने ट्रेडिंग पी एंड एल में 2/2 यहां लिखा जाता है, बट मैंने बैलेंस शीट में 2/2 नहीं लिखा और ना ही लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बताया ये बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, और जर्नल एंट्री पास नहीं होती इसीलिए यहाँ पे 2/2 लिखने की जरूरत नहीं होती। बैलेंस शीट में कभी भी 2/2 नहीं आता, क्योंकि इट इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनता है विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। क्लियर है सबको? आज हम ये रुकते हैं, जितने भी डाउट्स होंगे इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। अगर नहीं समझा है तो वापस वीडियो को देखो और फिर हम डाउट्स को हम क्लियर करेंगे इन लाइव सेशन और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जो डाउट्स है वो निकाल लो, लाइव सेशन में कवर करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हुए। डन, थैंक यू।